पिछले चैप्टर में हमने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, अब आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ाते हैं क्लास 7 मैथ्स के। इसमें यह है कि अगर दो रेशियो ए इज टू बी इक्वल है सी इज टू डी के, अगर दो रेशियो इसका मतलब ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये दो रेशियो अगर इक्वल है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। और वहां इक्वल टू साइन रख के यहाँ पे चार डॉट लगता है जिसको पढ़ते हैं ए इज टू बी सो इज टू सी इज टू डी। अब देखिए होता क्या है, अगर ये दो रेशियो इक्वल है, मान लीजिए एक ए अपॉन बी है दूसरा रेशियो सी अपॉन डी है, ये अगर इक्वल है तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मालूम है, एरो हेड ऊपर की तरफ रखते हुए ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए इंटू डी और बी और सी मल्टीप्लाई होंगे बी इंटू सी और बीच में इक्वल टू का साइन, ये इधर जा रहा है इक्वल टू के और ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है और बी इंटू सी राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो ये हुआ ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब इसी को ही हम अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में देखें ए इज टू बी सो इज टू सी इज टू डी, यहां पे ये बी इंटू सी बना रहा है जिसको कि हम मीन्स कह रहे हैं क्योंकि ये बीच के टर्म्स है और ये क्या है ये एक्सट्रीम्स है, ए इंटू डी क्या है एक्सट्रीम्स है। तो अगर प्रपोर्शन है यानी कि जब दो रेशियो इक्वल है उन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन्स इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का कि रेशियो अगर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई और कॉर्नर वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल आएगा। तो इसपे दो तरह के सम्स बनते हैं, एक तो आपको चार नंबर दिए होंगे और बोला जाएगा चेक वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। तो अगर चारों नंबर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं से 12, 15, 4, 5 और क्वेश्चन इज डिटरमिन वेदर फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म प्रपोर्शन और नॉट। ये क्वेश्चन है, इसमें चार नंबर दिए, आपका मीन्स क्या है, ये दो टर्म मिडिल टर्म्स मीन्स है और कॉर्नर वाले टर्म्स क्या हो गए एक्सट्रीम्स हो गए। तो आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला इंटू फोर इज इक्वल टू 16, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला 12 into 5 अगेन 16, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर आ रहा है, सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं, ये क्लियर है। तो इस तरह का पहला पार्ट तो हमारा प्रपोर्शन में यही बनेगा कि हमें चार नंबर दिए होंगे, बताना होगा कि प्रपोर्शन में है या नहीं। प्रपोर्शन में एक दूसरा क्वेश्चन है 2, 3.5, 3 and 4.5 एंड आपको बताना है कि प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, डिटरमिन वेदर दे फॉर्म प्रपोर्शन और नॉट। तो इसमें ये मीन्स है और ये क्या है एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई में आपको मालूम है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे कैंसिल होता है। चलिए
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 2 × 4.5 विच इज 2/1 × 9/2 इज इक्वल टू 18 और इसको हम 9 में लिखे इसको 18/2 लिखे 21/2 एंड 18/2 आर नॉट द सेम और इसको हम 9 भी लिख सकते थे अगर हम 2 कैंसिल आउट करते तो 9 एंड 21/2 इज नॉट द सेम सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सो फॉलोइंग फोर नंबर्स do not form proportion. तो एक तो इस तरह की क्वेश्चन ही आएगा कि आपको चेक वेदर दे आर इन प्रपोर्शन स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स से चार नंबर दिए अगर चारों नंबर दिए मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालना है अगर चारों नंबर दिए हुए हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इन चार नंबर में से एक नंबर मिसिंग कर देंगे आपको कहेंगे फाइंड दैट नंबर उस केस में आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है उसको हम करके दिखाते हैं तो ये एक दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है ये नंबर मिसिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है ये क्या हुए ये मीन्स हुए और ये क्या हुए ये एक्सट्रीम्स हुए अब यहां पे हम इक्वेशन लिखते हैं बीच में इक्वल टू साइन लगा के इक्वेशन लिखते हैं और x किस में है मीन्स में तो इस साइड हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखेंगे जो कि x की वैल्यू यहां पे रखनी है हमें तो यहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और बहुत ही अच्छा हो अगर आप इसमें लिख दीजिए इन प्रपोर्शन प्रपोर्शन में ऐसा होता है जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तब ऐसी चीज होती है इन प्रपोर्शन की आपको प्रपोर्शन साइन दिया हुआ है प्रपोर्शन में है तो हमने लिखा 0.6 × x इज इक्वल टू 0.9 × 3 तो x इज इक्वल टू 0.9 × 3 अपॉन 0.6 अपने रेशियो 0.6 × x इज इक्वल टू 0.9 × 3 तो x क्या हुआ 0.9 × 3 अपॉन 0.2 पॉइंट के बाद दोनों में एक डिजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाए तो इट विल बी 3 × 2 = 6 इट इज 9/2 और इसको अगर मिक्स नंबर में लिखे तो 4 × 1/2 दिस इज द आंसर तो अब इस पे दूसरा सम है जिसने हमको x की वैल्यू निकाली यहां पे क्या है x रिपीट हो रहा है यानी बीच वाला टर्म है इस तरीके के क्वेश्चन में हम अभी आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे अभी ये बताते हैं कि x इज द थर्ड टर्म भी यही है सेकंड टर्म भी यही है और थर्ड टर्म भी यही है तो ये हुआ मीन्स और ये हुआ एक्सट्रीम्स एंड प्रपोर्शन साइन इज गिवेन मीन्स इन प्रपोर्शन होता क्या है एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम के बराबर होता है इन प्रपोर्शन और यहां एक्स किस में मीन्स में तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम इस साइड लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हुआ x × x इज इक्वल टू 16 × 25 x × x इज एक्स स्क्वायर ये आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन में पावर्स एड हो जाती है x की पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 400 अब हमें x स्क्वायर है और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर साइड जाके अंडर रूट हो जाता है और अंडर रूट 400 का अंडर रूट कैसे निकालना है मतलब हम आपको बताया 400 के आप फैक्टर्स कीजिए 2 200 250 225 5 5s are and 5 1s are तो x इज इक्वल टू अंडर रूट
400 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दो का पेयर बनाया हमने, दो दो का, तो ये दो का पेयर एक होके आएगा, अंडर साइन हट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये दो का एक हुआ, अंडर साइन हटा दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। एक्स की वैल्यू क्या हुई, 20 हुई। यहाँ आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फोर्थ रूट इसको निकालना, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी। उसके लिए जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये लिखा है वी क्यूब इज इक्वल टू 216, यहाँ पे क्यूब है तो ये इस साइड जाके क्यूब रूट ऑफ 216, यहाँ 3 हमें छोटा सा 3 यहाँ बना के दिखाना पड़ता है कि मीन्स क्यूब रूट ऑफ 216 मीन्स 216 की पावर 1/3 है, ये 400 की पावर 1/2 है, और क्योंकि स्क्वायर रूट था ये इधर है, स्क्वायर रूट में 2 लिखना जरूरी है, 2 इज बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि स्क्वायर रूट है, पर क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, 4, 3, 5 सब लिखना पड़ता है। तो अब इसमें क्या है, हम 216 की फैक्टर करेंगे, 2 1 0 8 2 5 4 2 27 3 9 3 3 3 1 0। तो वी क्यूब रूट के अंदर इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम यहां पे क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर एक होके आएगा, तो इसकी ये क्यूब रूट हट जाएगा, 2 इंटू 3 आंसर कम्स द 6। अगर फोर्थ रूट होता तो 4 4 के पेयर एक होके आते और वहां पे आंसर आ जाता, फिफ्थ रूट होता तो 5 5 के पेयर एक होता। स्क्वायर रूट बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट को 2 हम लोग नहीं लेते, पर क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, उसमें हमें 3 4 5 इस तरह का रूट साइड बना के उसके अंदर लिखना पड़ता है। तो ये तो हमें एक कॉन्सेप्ट देने की बात थी कि आपको इसके बारे में क्लियर हो, आप इनसे घबराए ना स्क्वायर रूट और वो देखे, तो स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आया आपका 20। इसमें देखिए ये फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 144 एंड 2, मीन मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में प्रपोर्शन पता कीजिए, हमें इन दोनों के बीच में ब्लैक मीन प्रपोर्शन बिटवीन 144 एंड 225 इज एक्स, इसके बीच मीन प्रपोर्शन को ये एंड का साइन है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप चाहे तो एंड भी एंड लिख लीजिए। अब 144 और 225 के बीच का मीन प्रपोर्शन एक्स है, तो यहाँ तो 3 नंबर हुए, प्रपोर्शन के लिए 4 नंबर चाहिए होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हमेशा मिडिल टर्म, याद रखिएगा जब 3 नंबर बनते हैं तो हमेशा मिडिल टर्म को रिपीट कीजिएगा, वो क्या है उसको डिटेल हम अभी आपको बताते हैं जब हम आपको क्वांटिटी प्रपोर्शन पढ़ाएंगे। सो इज टू एक्स इज टू 225, आपने बीच वाले टर्म को रिपीट कर दिया, अब ये मीन्स में आया, देखिए आपका पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, और ये एक्सट्रीम्स आया, तो मीन्स इज एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 इंटू 225, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 225, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 225। हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसके दो दो के पेयर बनाते, पर 144 को फैक्टर अलग करना और 225 को अलग करना बहुत आसान है, देखिए 144 का तो 12 होता है, सबको मालूम है 12 12 144, फिर भी 272 236 218 29 3 3 3 1। और यहां पे हम 225 का दिखा देते हैं, 5 और 3 से जाएगा, ये 5 प्लस 2 प्लस 2 9, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से जाएगा, 3 7 3 5 5। तो x इज इक्वल टू हमने फैक्टर में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो था 144 का, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने
दो दो के पेयर बनाए, ये दो का एक होके निकलता है बाहर। x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180, आंसर इज 180। x इज, अभी एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। तीन नंबर दिए हैं, चार नंबर से प्रपोर्शन बनता है, चौथा नंबर में से ये फोर्थ प्रपोर्शन को बोलना है, तो उसको एस मान लेते हैं। तो अब ये बहुत सिंपल सम है, 8, 32, 17, x, दिस इज मीन्स एन, क्या हुआ? तो अब एक्स किस में, हमारा एक्सट्रीम में है, तो हम यहां प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन प्रपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम इज 8 × x इज इक्वल टू 32 × 17। एक्स आप इसको मल्टीप्लाई में करने लगेगा, हो सकता है कैंसिल आउट बताओ, तो उसको सिंपल फे में रखिए। ये इक्वेशन का टर्म्स है, आपको मालूम होगा कि ये मल्टीप्लाई है, एक ही टर्म है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होगा। तो 32 × 17 आपने कहके इसको जिसको हटाना है उसको छोड़ के बाकी चीज कॉपी की, और ये चीज क्या होगी, इधर जाके डिवाइड हो रही है। 8 × 4 = 17, 4 = 68। आंसर इज फोर प्रपोर्शन इज, फाइनल आंसर आप जरूर लिख दिया कीजिए, फोर प्रपोर्शन इज 68। दिस इज ये क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रपोर्शन को हम क्या मान लेंगे, एक्स। लेट द थर्ड प्रपोर्शन इज एक्स 32, 16, x। अगेन यहाँ पे तीन चीज टर्म होगा, जबकि चार नंबर में प्रपोर्शन बनना चाहिए, तो बीच वाले टर्म को आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो दैट इज 32 × 16, सो इज टू 16 × x, क्लियर है? तो अब ये कुछ भी नहीं रहा, इजी सा सम हो गया, मीन्स दिस इज एक्सट्रीम्स नाउ इन प्रपोर्शन। एक्स किस में, एक्सट्रीम में है, तो हम इस साइड लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 32 × x इज इक्वल टू 16 × 16, x इज इक्वल टू 16 × 16 अपॉन 32। इसको हटाना था, इसको छोड़ के कॉपी किया, और ये 16 × 2 = 8, आंसर इज 8। देखिए बच्चों, प्रपोर्शन में एक टर्म आता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या है, जैसे हमारा a अपॉन बी, हमने कहा जब दो रेशियो इक्वल होता है, a अपॉन बी से डिनोमिनेटर ही जाके यहाँ पे b अपॉन सी हो जाए, और c अपॉन डी हो जाए, और d अपॉन ई, ऐसे चलता जाए, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर यहाँ का न्यूमरेटर बन जाता है, और तभी रेशियो इक्वल आते हैं, इस तरीके का रेशियो इक्वल आते हैं। जैसे हम आपको समझा दें 2 is to 10, so is to 10 is to 2 5 50। तो ये सिंपल फॉर्म में दोनों का 1 is to 5 की रेशियो आ रहा है, तो यहां का ये जो b है ये यहां पे रिपीट है, यहां का डिनोमिनेटर यहां का न्यूमरेटर बन जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बनाते हैं। उस केस में क्या होता है बेटा, अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है तो उसमें सम क्या होता है, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी हुआ, तो बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड हमने बताया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, एरो हेड ऊपर की तरफ, ये बी स्क्वायर, ये a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये प्रॉपर्टी लगती है। चलिए इस पे हम कुछ सम करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। ये हमने आपको वैसे बताया भी हुआ है मिडिल टर्म जब स्प्लिट होता है। मान लीजिए आपको कहा जाए फाइंड शो दैट 6, 36, 216 आर इन
कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ये हमको शो करना है. मतलब 6/36 इज इक्वल टू 36/16 हमें शो करना है. क्या शो करना है? 6/36 इज इक्वल टू 36/216. यानी कि मिडिल टर्म को हमें रिपीट, वैसे भी मैंने बोला था तीन चीज गिवन है, नंबर गिवन है, तो बीच वाले टर्म को आप रिपीट कर दें. 6:36, 100/16. अब आप मीन्स निकालिए और एक्सट्रीम्स निकालिए. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 36/36. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 6/216. 1296 आंसर दोनों में ही आएगा. दैट मीन्स दे फॉर्म कॉन्टिन्यू अब प्रपोर्शन पे हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत इजी है. जैसे देखिए, इफ 25% कैन डिग अ ट्रेंच 36 मीटर लॉन्ग इन वन डे, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर टू डिग अ ट्रेंच 108 मीटर लॉन्ग इन वन डे. तो अब एक दिन में अगर 25 आदमी 36 मीटर लॉन्ग, तो हाउ मेनी, फाइंड द नंबर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन. तो जो चीज पूछी जाती है दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. जो चीज पूछी जाएगी, जो भी आपसे आपसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों में पर्सन पूछे जा रहे हैं, तो पर्सन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेंथ ऑफ ट्रेंच विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस में दोनों चीजें गिवन है, तो इससे 36 मीटर लॉन्ग ट्रेंच के लिए कितने रिक्वायर्ड है पर्सन है? 25%. तो 108 मीटर लॉन्ग ट्रेंच के लिए जितनी सुरंग 36 मीटर लॉन्ग है, तो 25 आदमी ज्यादा लंबी के लिए ज्यादा आदमी चाहिए होंगे. यानी कि ये क्वांटिटी बढ़ी है, तो ये क्वांटिटी भी बढ़ी है. डायरेक्ट प्रपोर्शन है. प्रपोर्शन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक इनवर्स प्रपोर्शन. तो अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़े तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, या एक क्वांटिटी के घटने पे दूसरी क्वांटिटी भी घटे तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है. पर एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी घटे या एक क्वांटिटी घटने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़े, वो इनवर्स प्रपोर्शन होता है. उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे हम आपको. फिलहाल 36 मीटर, अब हमारा यहाँ पे 108 मीटर के लिए मान लिया एक्स, और ये हमारा प्रपोर्शन तो फॉर्म हो गया. अब ये जो एक्स एक्स के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा पहले, तो हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ पर्सन फॉर 108 मीटर लॉन्ग ट्रेंच रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इज एक्स. ये हमने बाद में लिख दिया. अब देखिए 36 मीटर 2508 मीटर, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, तो 36 के साथ 25 था, 108 के साथ x. अब ये मीन्स हो गया 36 2508 x लिया, ये मीन्स आया, ये एक्सट्रीम आया. तो 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 108 इंटू 25, क्योंकि हमने इस साइड x था तो एक्सट्रीम वाला हमने इस साइड रखा. x इज इक्वल टू, अब इसको हटाना है तो इसको छोड़ के बाकी कॉपी किया और ये इधर जाके मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड. 36 थ्री जा दिस इज 75% इज द आंसर. देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन है, रजत कैन टाइप 3200 वर्ड्स इन 1 आवर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 15 मिनट. देखिए यहाँ 1 आवर है, यहाँ 15 मिनट है, तो दोनों को मिनट में समझिए कि 32 वर्ड्स इन 60 मिनट और ये 15 मिनट की बात है, क्योंकि हमें एक ही यूनिट में कंपेरिजन में करना होता है. रेशियो के बताया था कि कंपेरिजन बिटवीन सेम टाइम होना चाहिए, तो ये मिनट है तो इसको भी 60 मिनट किया. अब पूछ क्या आ रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स, तो वर्ड्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छा टाइम यहां पे क्या है, टाइम है 60 मिनट तो 3200 वर्ड्स है, तो 15 मिनट्स लेट एक्स. ये तो हुआ हमारा 3200 60 मिनट 3200 15 मिनट एक्स. ये प्रपोर्शन इस टू और सो इस टू, इस टू ये बना. मतलब ये है कि आप इसमें x की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा, तो लेट
एक्स वर्स इन 15 मिनट्स, ये हमने बाद में एक सेंटेंस ऊपर से लिख दिया। अब आपका ये मीन्स में है और ये एक्सट्रीम्स में। हमने यहां मिनट भी लिखा, ऑलरेडी हमने टाइम इन मिनट ऊपर लिख दिया है, हेडिंग डाल दी। तो 60 × x = 15 × 3200। हमें x निकालने के लिए इसको हटाना है, x = 15 × 3200, इसको कॉपी किया बाकी सब, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 60 से 6, 2 3 2 1 2 2 6 160 3 5, एंड दिस इज 800 वॉट्स इज द आंसर। तो इसका आंसर 800 वॉट्स आया। अब आप देखिए यहां पे 60 मिनट में अगर वो 3200 वॉट टाइप करता है तो कम मिनट में कम पड़ेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 16 से 15 कम हो रहा है तो वॉट्स भी कम हो रहा है। तो ये कैसा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर हमारा टाइम कम होगा तो हम कम वॉट टाइप कर पाएंगे। अभी तक आपने जो सम्स किए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किए, अब हम थोड़ा एक आध सम आपको इनवर्स प्रोपोर्शन पे भी कराना चाहेंगे। जैसे देखिए 20% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 40% कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। आदमी दुगने कर दे जाए तो कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए जब आदमी बढ़ा देंगे, पहले 20 आदमी 100 दिन में करते, आदमी ज्यादा कर दे तो दिन कम लेगा, वो जल्दी काम खत्म कर देंगे। तो यानी इस चीज को बढ़ा रहे हैं और ये चीज पर्सन जो है हमारे वो कम हो रहे हैं। दैट मीन्स ये कैसा प्रपोर्शन है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि आदमी बढ़ाने पे वो काम जल्दी को खत्म कर लेंगे। तो 20% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, लेट 40% जनरली हम एक्स किस साइड लेते थे, आप किस साइड लेके एक्स को इधर कर लीजिए। यही एक इनवर्स प्रपोर्शन में फर्क होता है डायरेक्ट और इनवर्स में, बस बाकी सब सेम होता है। अब हमने लिखा लेट 40% डू वर्क इन एक्स डेज, नाउ ये मीन्स हुआ और ये एक्सट्रीम्स हुआ। आपके कोर्स में इनवर्स प्रोपोर्शन जनरली बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ही सम है, पर हम आप लोगों को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट इस इनवर्स प्रोपोर्शन को भी बता रहे हैं। x = 20 × 100/40, 20 × 2 = 40, 250 = 50 days is the answer। तो अब प्रपोर्शन और रेशियो खत्म होने के बाद तीसरी चीज आती है यूनिटरी मेथड, जिसके थ्रू हम दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम यूनिटरी मेथड है, जैसे 16 आर्टिकल, आपने क्लास 6 में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे 16 आर्टिकल कॉस्ट ₹72, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। आप पहले इतने पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट को मत देखिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्या चीज पूछ रहा है, कॉस्ट। तो कॉस्ट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, जो चीज पूछी जाती है उसको राइट हैंड, हमने आपको प्रपोर्शन में भी क्लियर किया। और दूसरी चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। अब यहाँ पे प्रपोर्शन में बना के हम एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस जिसमें दोनों चीजें गिवन हो और कॉस्ट को हम इधर रखें और आर्टिकल को हम इधर रखें। तो ये आपको यहाँ देखिए इस कॉस्ट सेंटेंस में आर्ट कॉस्ट इधर लिखी हुई है और आर्टिकल इधर लिखा हुआ है। इंग्लिश आप लोगों को आती ही है और फिलहाल ये सेंटेंस तो बना ही हुआ है, तो आप लिखेंगे सिंस, सिंस दो डॉट ऊपर एक डॉट, इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि 16 आर्टिकल कॉस्ट = ₹72। हमने कॉस्ट को इधर दिया, हमें आइडिया था कॉल लेना की कॉस्ट हमें इधर रखना है और आर्टिकल इधर। यूनिटरी मतलब यूनिट माने वन, अब हम वन को यूज करते हुए सम्स सॉल्व करेंगे। अगर 16 आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, 1 आर्टिकल कॉस्ट क्या होगा, अगर 16 आर्टिकल कॉस्ट 72, वन इन दोनों का 16 से 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करें, इस साइड जो भी चीज है उसको एज इट इज निकालते हैं, 72 को एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये चीज इधर जाके डिवाइड होती है। तो अपॉन 16 हुआ तो 8 × 2 = 8 9 = ₹9/2। अब देयरफॉर हमसे कितने की कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, हम
हमसे कितने की कॉस्ट पूछा है, 30 ऐड करें, तो हमने 16 से 13 डायरेक्ट नहीं निकाला, हमने क्या किया यूनिट, इसलिए यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, हमने यूनिट को यूज किया 30 आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए। तो 30 आर्टिकल कॉस्ट, अब इन दो सेंटेंस में देखिए 1 से 30 ज्यादा हो रहा है, तो अब हम मल्टीप्लाई करें, इस साइड को एज इट इज लिखते हैं, तो रुपीज 9/2 को हमने एज इट इज लिखा, और 30 इधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो गया 2 1 जा, ये 30/1 होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे और ऊपर नीचे कैंसिल आउट होता है, 215 जा, तो 39 जा, रुपीज 135 इज द आंसर। अब इसके बाद इसके दूसरे पार्ट को देखिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स, ये पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है इसके अंदर, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछे आर्टिकल्स पूछ रहा है, तो आर्टिकल को हम किस साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और कॉस्ट को हम राइट साइड में रखते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आर्टिकल इस साइड हो और कॉस्ट इस साइड हो। देखिए आर्टिकल इस साइड था, हमें आर्टिकल 16 आर्टिकल इधर करना है, और कॉस्ट रुपीज 72 हमें इधर करनी, इससे सेंटेंस रुपीज 72 इज कॉस्ट ऑफ, हमें इंग्लिश का ऑफ 16 आर्टिकल्स, सिंस का साइन, और ये साइन एक डॉट ऊपर दो नीचे, ये देयरफॉर, क्योंकि 16 आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, इसलिए एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, इसलिए 30 आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, इसका मतलब होता है, तो चूंकि 72 आर्टिकल की कॉस्ट 16 है, देयरफॉर 1 आर्टिकल रुपीज 1 इज कॉस्ट ऑफ, ये चीज एज इट इज 16 लिखी, ये जाके डिवाइड होगा 16/72, 8 2s are 8 9s are, देयरफॉर रुपीज क्या बोला है 207, रुपीज 207 इज कॉस्ट ऑफ, यहां एज इट इज 2/9 को लिखेंगे इंटू, क्योंकि यहां 1 से ही ज्यादा हो रहा, 72 से कम हो रहा था इसलिए डिवाइड किया था, 1 से 207 ज्यादा हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, 9 1s are 9 2s are 18, 9 3s are 27, 46 आर्टिकल, दिस इज द आंसर। तो पहले आपने प्रपोर्शन से इनवर्स प्रपोर्शन के सम्स किए, अब हम यूनिटरी मेथड से इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने रखा है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ पे क्या है हाउ मेनी डेज पूछ कर रहा है, दिन तो डेज विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, वो चाहे प्रपोर्शन हो चाहे यूनिटरी मेथड हो उसको रखता है, अब यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है, डेज को इधर और पर्सन को इधर रखते हुए, तो यहाँ पे लिखा ही वो हुआ है 20% एंड डू, सिंस 20% कैन डू वर्क इन 100 डेज, देयरफॉर 1% कैन डू वर्क, अब 20 के बाद 20 आदमी किसी काम को 100 दिन में करते हैं, देखिए यहाँ पे 20 आदमी तो 40 आदमी, आदमी बढ़ा देंगे तो दिन क्या लगेगा कम लगेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे तो डेज जो है वो कम हो रहे हैं, तो 20 आदमी से जब एक आदमी हमें कम हो जाए तो वो दिन ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा मतलब हमें मल्टीप्लाई, यहाँ जनरली 1 में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे 100 को एज इट इज लिखेंगे और 20 डिवाइड ना होके हमारा यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अब देयरफॉर 40% can do work in 100 into 20 को हम एज इट इज रखेंगे, अब 1 से 40 ज्यादा हो रहा है, जनरली हम मल्टीप्लाई करते हैं पर यहां मल्टीप्लाई ना करके जगह पे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 22 are answer is 50 days, दिस इज द वे वी डू एंड वी डील विद, हालांकि आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बच्चों को 6th 7th 8th के लेवल के बच्चों को दिए कम जाते हैं, पर फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताया कि आपको इस तरीके से जहां डिवाइड होता था वहां मल्टीप्लाई कर दिया, जहां मल्टीप्लाई होता था वहां हमने डिवाइड कर दिया। देखिए अभी तक आपने कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज को ही देखा, दो क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में कंपेयर करना होता है, तो हम एक इजी मेथड बताते हैं हाउ टू डू दिस थिंग, इसे 45 पैकेट्स ऑफ वाटर ईच डे 100 ग्राम कॉस्ट रुपीज 607, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स ऑफ ईच डे, वॉट विल बी द कॉस्ट, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कॉस्ट और कॉस्ट को राइट है, बाकी दोनों को हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में, फिर इसमें सेंटेंस कंप्लीट करते हैं 45 पैकेट्स ऑफ बटर 100 ग्राम, 18 ग्राम लिख दीजिए 100
एक्स, ये आप एक सेंटेंस क्योंकि आपने इसको एक्स लिया। अब इसमें आप एक एरो वाला मेथड बताते हैं, आप इसमें एरो को डाउनवर्ड, जहां एक्स अननोन क्वांटिटी है, एरो का हेड वहां, टेल इस तरफ है। अब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखता है बाकी से, बाकी दोनों से कंपेयर करने, तो उनका हेड भी डाउनवर्ड होगा, और अगर इनवर्स कहते हैं तो इसका हेड ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो इसका हेड है उससे उसका एरो उल्टा हो जाएगा। देखिए 100 ग्राम की कॉस्ट अगर इतनी है तो ज्यादा ग्राम की कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका एरो हेड हम नीचे की तरफ ही रखते हैं, इसको ऊपर की तरफ। 45 पैकेट की कॉस्ट अगर इतनी है तो 18 पैकेट की कॉस्ट कम होगी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका भी एरो हेड हम नीचे की तरफ ही सेम उसी डायरेक्शन रखते हैं जहां पर, अगर इन्वर्स होता तो हम इसका एरो हेड ऊपर की तरफ कर लेते। तो अब हम इधर अननोन क्वांटिटी को, हमें ये न्यूमरेटर होगा एरो हेड और ये डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो एक्स अपॉन 607.50 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 500 अपॉन 100 इंटू 18 अपॉन 45, ये 00 कट गया, 5 9s are 9 2s are, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू रुपीज 607.50 टू 12.50 इज द आंसर। तो ये था आपका रेशियो, प्रपोर्शन, यूनिटी मेथड, सब इसके बारे में पूरा कंप्लीट। तो ये तो था यूनिटी मेथड, प्रपोर्शन, रेशियो में समझाने की कोशिश की मैंने आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।